खैर इस पे वक्त नहीं है, वरना मिलाद शरीफ पे भी तफसीली बात होती। असलाफ के यहाँ मिलाद क्या था? मिलाद का माना सरकार का जिक्र खैर था, और वो आज भी हमारे यहाँ होता है या नहीं होता? हमारे यहाँ होता है, तो इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन आज इन्होंने उस मिलाद के नाम के नीचे मखसूस चीज़ें दर्ज कर दी हैं। अब धोखा क्या देते हैं, असलाफ का भी मिलाद था, हमारा भी मिलाद है, असलाफ के मिलाद के नीचे ये सारी चीजें थोड़ी थी जो तूने शुरू की हुई है। रक्स किया हुआ है, भंगड़ा शुरू किया हुआ है, नीचे अला बला खराफात ये सारी लगाई हुई है, क्या ये असलाफ के मिलाद के नीचे थी? असलाफ ने ऐसा मिलाद देखा ही नहीं था, असलाफ की जिंदगी में ऐसे मिलाद का तसव्वुर ही नहीं था जो मिलाद का नक्शा आज लोगों ने बनाया हुआ है। कोई औरत मर्द की तमीज नहीं, बाजार भरे हुए हैं, इख्तलात मर्द जन का है। इब्न हजर मक्की की अगर आप अल फतावल हदीस ही आप पढ़ लेते तो समझ आ जाती बात। इब्न हजर मक्की ने साफ कहा है कि आज जो खराफात चालू हो गई है, इस बुनियाद पर ही इस अमल को तर्क कर देना चाहिए। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि यह किताब अगर आपके पास हो ना, इससे फिर आप दिखा सकते हैं। देखो इमाम सुयूती ने रिवायात को मन घड़त भी लिखा है, और मन घड़त रिवायात पे अमल भी जायज नहीं है। मौलाना अहमद रजा खान साहब ने भी लिखा है, दीगर अकाबिर उलमा ने भी इस बात को लिखा है। खैर मैं अर्ज कर रहा था, जब शरई हैसियत बढ़ा दी जाए, ये तीसरा एक आपको अर्ज कर रहा हूं जो है ना कानून या जाबता, शरई हैसियत जब किसी कौम की नजर में किसी अमल की बढ़ा दी जाए, बढ़ जाए, तो फिर शरीयत का मिजाज ये है कि इस अमल को तर्क करो।